गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें बड़ी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स करते हैं, तो आज इस पर हम 3-4 वीडियोस बनाएंगे और एक एक करके हम आपको समझाएंगे कि किस तरह इस चैप्टर को समझा जाता है और ये कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है 10th क्लास में भी और आगे 11th 12th में भी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हम स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन किस तरह के बॉन्डिंग करता है, किस तरह की बॉन्डिंग करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 2N4। अब ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल ये बोलता है किसी भी एटम को उसके वैलेंस शेल में 8 चाहिए। मींस एन एटम मस्ट अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, जिसको आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, जिसको आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं। एटम मस्ट अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल टू अटेन स्टेबलनेस, मतलब टू बिकम स्टेबल एन एटम मस्ट अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इज दैट क्लियर? या 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, इज दैट क्लियर? इसको 8 को बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट, और 2 को बोलेंगे डुप्लेट। इज दैट क्लियर? 2 को बोलेंगे डुप्लेट। अब हम कार्बन का सिस्टम समझते हैं कि कार्बन को क्या चाहिए, वो क्या करेगा। इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ऑप्शंस फॉर कार्बन, कार्बन के पास क्या ऑप्शंस रहेंगे। नंबर 1, अब 4 है, इसको 8 चाहिए। फर्स्ट, कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नंबर 1। नंबर टू, कार्बन अटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, मींस अटेन्स या मींस गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 3, कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। इज दैट क्लियर? कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, लूज करेगा तो डुप्लेट हो जाएगा, गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ऑक्टेट शेयर करेगा। पहले दो फिजिबल नहीं है, नॉट फिजिबल। ये हम आपको 11 12 में समझाएंगे फिजिबल क्यों नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस, दीज आर नॉट फिजिबल एट ऑल। ऑप्शन 3 क्या बचती है, कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। अब ये समझाने के लिए हाइड्रोजन गैस वो किस तरह फॉर्म होती है, हाइड्रोजन, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हम समझते हैं कैसे। नाउ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस H2। हम दो एटम लेते हैं H के, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। इसका क्या, एक रहेगा आउटर में, एक इलेक्ट्रॉन आउटर में है। इज दैट क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन आउटर में है इसका, इस H का भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर में है। तो दोनों H को, अगर इस H की बात करें, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये बोलेगा इसको, भाई मैं तेरा ये शेयर कर लेता हूं ताकि मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो ये शेयर करेगा, ये भी इसको बोलेगा भाई मैं तेरा शेयर कर लेता हूं, मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। इज दैट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस जो बॉन्ड बना 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनेंगे, जो मैं आगे समझाऊंगा। इसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड
कोवलेंट बॉन्ड. इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. इन दो हाइड्रोजन के एटम्स में जिससे एच टू गैस बनी, देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इज दैट क्लियर? तो इसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. एक दो एग्जाम्पल और समझेंगे हम, एक दो एग्जाम्पल हम और समझेंगे. हम बात करते हैं ऑक्सीजन O2. इज दैट क्लियर? अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का? इट्स 8. और इसकी कॉन्फिगुरेशन क्या होगी? 2 and 6. इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन? एटॉमिक नंबर इज 8, कॉन्फिगुरेशन क्या होगी? 2 and 6. अब मींस आउटर में 6 हैं, आउटर में इसके 6 हैं. अब देखें, 2, 2, 4, 2, 6, इसके भी 6 हैं, 2, 2, 4, 2, 6. अब इसको 2 और चाहिए. अगर इस ऑक्सीजन एटम की मैं बात करूं, इसको 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 और चाहिए. ये बोलेगा भाई ये वाले इलेक्ट्रॉन मैं तेरे शेयर कर लेता हूं. इज दैट क्लियर? इस ऑक्सीजन एटम ने इस ऑक्सीजन एटम के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए. ये बोलेगा भाई मैंने भी तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो मैं तेरे वाले शेयर कर लेता हूं. इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो ये ऑक्सीजन एटम ये इसके शेयर कर लेता है. तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. इज दैट क्लियर? टू पेयर मींस 1 पेयर का 1 बॉन्ड, 2 पेयर का 2 बॉन्ड. ऑक्सीजन दिस. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये बॉन्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन एटम्स में शेयर हुआ. इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. द बॉन्ड फॉर्मड बाई द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. आगे आप 11th 12th में पढ़ोगे सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, बट जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा वीक होगा. इज दैट क्लियर? ट्रिपल बॉन्ड इज वीकर देन डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल बॉन्ड. इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन? ये आप ध्यान से समझिए, क्योंकि 11th 12th में भी आपको ये काम आएगा. हम नाइट्रोजन में आपको नाइट्रोजन समझाता हूँ. फॉर्मेशन ऑफ N2. फॉर्मेशन ऑफ N2. इज दैट क्लियर? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7. एटॉमिक नंबर इज 7. इसकी कॉन्फिगुरेशन 2-5 होगी. इज दैट क्लियर? एटॉमिक नंबर इसका 7 है, कॉन्फिगुरेशन 2-5 होगी. मींस आउटर शेल में इसके 5 हैं. दिस इज नाइट्रोजन. 2, 3, 4, 5. दिस इज नाइट्रोजन. 2, 3, 4, 5. अब ध्यान से 5 अगर इस नाइट्रोजन की बात करेंगे, 5 इसके आउटर शेल में है. इसको 3 और चाहिए, 3 और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो ये इसको बोलेगा भाई मैं तेरे ये 3 ले रहा हूं. इज दैट क्लियर? इस वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ये बोलेगा भाई मैंने भी तो शेयर करना है, मैंने भी कंप्लीट करना है, तो ये वाला इसके लेगा. इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन? इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हियर थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 1 ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड. इज दैट क्लियर? एन ट्रिपल बॉन्ड एन. तो ट्रिपल बॉन्ड वीक होता है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड वीक होगा सिंगल बॉन्ड से. ये आप समझ लीजिए. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये आपको मैंने समझाया कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. नाउ डियर चिल्ड्रन द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कोवलेंट बॉन्ड. व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कोवलेंट बॉन्ड? नोट कर लीजिए. इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कोवलेंट बॉन्ड. इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है? जिन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स. इज दैट क्लियर? कोवलेंट कंपाउंड्स जिन
जिन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है उनको बोला जाता है कोवलेंट कंपाउंड्स। नाउ द टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। पहली प्रॉपर्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। नंबर टू, कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन? कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम देखेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। व्हाई? नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? बिकॉज़ कोवलेंट बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? इट्स अ वीक बॉन्ड। अगर आप H2 की बात करें, एग्जाम्पल है H2 की बात करें, अगर H2 को आप बॉयल, अगर आप हीट दोगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, बॉन्ड इजली टूट जाएगा और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन? इज दैट क्लियर? सेकेंड, कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड क्या था? कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैरी कैसे होती है। किसी भी कंपाउंड में अगर जब आयंस हो तभी इलेक्ट्रिसिटी कैरी होती है। मींस आयन मींस कैटायंस एंड एन आयंस। इज दैट क्लियर? कैटायंस पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जैसे आपको पता है, एनायन नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? जब किसी भी कंपाउंड में आयंस होंगे, क्योंकि यही चार्ज कैरी करते हैं, कैटायंस और एनायंस ही चार्ज कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इज दैट क्लियर? व्हेन द कंपाउंड्स डजंट हैव आयंस, जब कंपाउंड्स में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो कोवलेंट कंपाउंड्स में एटम्स और मॉलिक्यूल्स दिखेंगे बट आयंस नहीं दिखेंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स में आयंस नहीं दिखेंगे। दैट्स व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम साल्ट लेते हैं NaCl। NaCl से आपको अच्छी तरह समझ आएगा। हम साल्ट लेते हैं NaCl। NaCl पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें कैटायन भी है। दिस इज कैटायन एनायन। दिस इज एनायन मींस आयंस। So this compound, this salt in aqueous solution will conduct electricity. Is that clear? NaCl in aqueous solution will conduct electricity. तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। Is that clear, dear students? इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। NaCl क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। कैटायन भी है, एनायन भी है, सो NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हमने कार्बन कंपाउंड्स को एनालाइज किया, when we analyze कार्बन कंपाउंड्स
we found that these compounds contain these two properties. Kaun kaun si? Low melting and boiling points. Low melting and boiling points. Aur dusri kaun si? Poor conductor of electricity. It means covalent bond mutual sharing से बनता है और covalent compounds carbon compounds ठीक है उनमें अंदर low melting boiling points होता है और दूसरा these compounds are poor conductors of electricity. दो example हम लेते हैं. ये कैसे हुआ, हम दो example लेकर समझते हैं इसको. Is that clear? दो example लेकर समझते हैं. पहला लेते हैं हम CH4, that is methane. Is that clear? Methane. आप देखो C लेते हैं, H CH4 1, 2, 3, 4. अब इसके आउटर कितना होगा, एक. इसके आउटर चार होते हैं, 2, 4. एटॉमिक नंबर इज 6, कॉन्फिगुरेशन इज 2 and 4. मीन्स वैलेंस शेल में चार होते हैं कार्बन के, 1, 2, 3 और 4. इसके आउटर एक होगा, इसके आउटर एक होगा, इसके आउटर एक होगा. इज दैट क्लियर. अब इस वाले हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं, इसको कितने चाहिए, दो चाहिए ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, मीन स्टेबल कॉन्फिगुरेशन अचीव करने के लिए. तो ये इसको इससे ये वाला शेयर करेगा, तो ये इसने ये वाला शेयर किया. इसी तरह ये वाला शेयर करेगा, इसने ये वाला शेयर किया. ये वाला हाइड्रोजन ये वाला शेयर करेगा. इज दैट क्लियर. इसने ये वाला शेयर किया, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला शेयर करेगा. इज दैट क्लियर. अब कार्बन ने बोला भाई लोगों, हाइड्रोजन को बोला भाई लोगों आपने तो शेयर कर दिया, अब मैं भी 8 पूरे करने के लिए शेयर करूंगा. तो ये वाला कार्बन, इसके ये 1, 2, 3, 4 है, इनके भी ये शेयर करेगा. इज दैट क्लियर. इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन. इज दैट क्लियर. तो ये इनके शेयर करेगा, तो ये इस तरह से बनेगा. इज दैट क्लियर. इसके भी शेयरिंग से 8 कंप्लीट. किस तरह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक एक हाइड्रोजन के भी ड्यूप्लेट कंप्लीट. कैसे, ये दो शेयर हुए हैं, ये दो शेयर. इज दैट क्लियर. इज दैट क्लियर. तो मिथेन, इस तरह जो मिथेन है ये कैसे बनती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इज दैट क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें, CO2 ले लेते हैं. इज दैट क्लियर. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2. कार्बन डाइऑक्साइड CO. इज दैट क्लियर. इज दैट क्लियर. अब ऑक्सीजन के आउटर में कितने होते हैं, 2, 6, 8 होता है, 2, 6, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 2, 6. इसके चार होते हैं, 2 और 2. इज दैट क्लियर. इज दैट क्लियर. बन गया सारा. अब इसको 8 चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो ये 2 ये वाले शेयर करेगा. देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. ये बोलेगा भाई मैं तो ये 2 तेरे शेयर कर रहा हूं. इज दैट क्लियर. इसी तरह ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा कार्बन को, भाई मैं तेरे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा हूं. इज दैट क्लियर. कार्बन बोलेगा आप दोनों ने तो शेयर कर दिए, अब मैं भी शेयर करूंगा. कार्बन के 4 ऑलरेडी थे, 2 इससे लेकर 6 और 2 ये 8. तो ये वाला कार्बन भी शेयर करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. इज दैट क्लियर. तो आपने देखा किस तरह मिथेन में भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स. हियर आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड में भी देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स. इज दैट क्लियर. तो इन म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड. इज दैट क्लियर. क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड. इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन. इज दैट क्लियर. तो ये कैसे होगा, डबल बॉन्ड है तो ये इस तरह बनेगा. इज दैट क्लियर. तो मिथेन कैसे बनेगा, मिथेन कैसे बनेगा, मिथेन सी एच
H, इज दैट क्लियर? तो ये मिथेन का स्ट्रक्चर, ये कार्बन डाइऑक्साइड। डबल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ चार इलेक्ट्रॉन्स है, डबल पेयर है, तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो दिस वॉज ऑल अबाउट बॉन्डिंग इन कार्बन। नेक्स्ट वीडियोज में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के और चीजें पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।